वेल हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो पे अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ प्रेस्टीज का टेप। तो ये लॉन्ग टेप है, यहाँ पे चार पीस है। उसका प्राइस अराउंड 600 को गिरा था फ्लिपकार्ट से, तो 600 में चार पीस। तो अब इसको खोल के देखते हैं। यहाँ पे चार पीस है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे स्टाम्प है, तो वारंटी का कुछ होगा। यहाँ पे आपको वाल फ्लेंज मिल जाता है स्टील का, चार पीस और टेप। तो बाकी सब मैं साइड के रख देते हैं। और यहाँ पे आपको एक ही पीस वो कपड़ा वाला में मिलते हैं, बाकी सब प्लास्टिक रैप्ड है। तो मैं आपको एक का ही रिव्यू देता हूँ अभी। तो गाइस अभी आते हैं स्टेप पे। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका लुक एक बार। जो नॉर्मल सिल्वर कलर टेप होता है वो सब पीतल का होता है, ब्रास का, और ऊपर में कोटिंग किया जाता है। और यहाँ पे स्टील का है, मतलब इसका पूरा पार्ट स्टील का नहीं है, ऊपर वाला प्लास्टिक है। तो जब पकड़ा तभी मैं समझ गया ये प्लास्टिक का ही होगा ऊपर वाला। तो मैं इसको अभी खोल के दिखा रहा हूँ। ये खुल भी जाएगा, यहाँ पे कोई स्क्रू नहीं है, तो इसको खींच के ही खोलेगा। और इसका अंदर एक कार्ट्रिज मुझे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे कार्ट्रिज है, तो ज़ोर से खींचना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका अंदर कार्ट्रिज है, एक लो क्वालिटी का कार्ट्रिज होगा। और यहाँ पे ये टेप का ऊपर वाला, और ये प्लास्टिक का है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए साइड से निकल गया, ये प्लास्टिक है, थोड़ा अंदर में लगाने वाला मेटल है, और वो भी जम खा गया, देख लीजिए रास्ते दे। तो ये इतना भी अच्छा नहीं है, मैं इसको अभी रिटर्न करने वाला हूँ। मैं सेदा का ले लूँगा, और सेदा का एक ही प्राइस, मतलब एक ही पीस 600 रुपीज़ पड़ेगा। तो ये 600 का चार्ट हमें सोचा अच्छा होगा, प्रेस्टीज का है। तो बाकी इतना पार्ट ठीक है, कार्टिज का मुझे कोई भरोसा नहीं है कैसा क्वालिटी होगा। तो मैं अभी इसको रिटर्न करने वाला हूँ। और इतना भी अच्छा नहीं है, मतलब सोच लीजिए आप बाथरूम पे लगाओगे। और इसका जो मेन प्रॉब्लम होता है कि इसका बहुत जल्दी निकल जाता है, थोड़ा थोड़ा तो निकल ही रहा है साइड से। और इसका जब पूरा निकल जाएगा तो समझ लीजिए कितना घटिया लगेगा, ऊपर वाला जब वाइट हो जाएगा। इसलिए ये सब लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, एकदम कचरा प्रोडक्ट है ये, प्लास्टिक है, दूर से ही समझ में आ रहा है ऊपर वाला, तो पूरा लुक भी ख़राब हो जाएगा। इससे बेटर है कि आप कोई अच्छा कंपनी जैसे प्रायक का प्लास्टिक का टेप लगा लो, वो आपको मिल जाएगा सस्ता में, 150 का अंदर ही मिल जाएगा। और बाकी प्लास्टिक का ही अच्छा है ये सब टेप से। और इसमें अभी मैं खोल के दिखा रहा हूँ, इसका एरेटर बोलते हैं इसको, इसका क्वालिटी। तो ये नीचे वाला, यहाँ पे दो फिल्टर्स है, यहाँ पे देख लीजिए इसका एरेटर। यहाँ पे ये वाला भी प्लास्टिक है, यह भी शायद पूरा निकल जाएगा, इसका जो कोटिंग है तो इसका भी कोटिंग निकल जाएगा, वही मुझे डाउट है। इसका अंदर का लुक दीजिए, एकदम खोखला टाइप का है, हल्का। नॉर्मली कोई टेप इतना हल्का होता भी नहीं है, सब हैवी होता है। तो गाइस ये एकदम वैल्यू फॉर मनी नहीं है। अगर आपका बजट बहुत कम है तो प्लास्टिक का ले लीजिए, ऐसा कुछ मत लीजिए। इसका लुक बहुत ख़राब हो जाता है जब ये निकलता है ऊपर वाला का। तो गाइस यहाँ पे मैं वीडियो एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए।